आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने चाइना में पार्ट टाइम जॉब की जो पॉलिसी आई थी नई, इस साल जो चाइना ने अनाउंसमेंट की है जॉब पॉलिसी के हवाले से, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आप चाइना में किस तरह पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हो। तो आप इंतजार में है कि चाइना में आप किस कैटेगरीज की और किस टाइप की जॉब्स कर सकते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम। तो मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने पॉलिसी के हवाले से आपको बताया है, या मैंने आपको वो एप्स बताई हैं, एप्लीकेशंस बताई हैं जो यूज़ करके आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अभी आप स्क्रीन पे भी इनके लिंक्स देख रहे हैं ऊपर, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने चाइना में काफ़ी चीज़ों के हवाले से वीडियोस बनाई हुई हैं, मतलब स्कॉलरशिप से लेकर चाइना में आपका पहला दिन, पाकिस्तान से आप कौन सी चीज़ें ला सकते हो फर्स्ट टाइम जब आप चाइना आ रहे हो, उससे लेके ग्रेजुएशन तक और फिर डिग्री अटेस्टेशन, MBBS स्टूडेंट की लाइफ। इसके अलावा मैंने चीन में मक्की में एक पाकिस्तानी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर की वीडियो बनाई है, उसका लाइफस्टाइल आपको दिखाया है, सैलरी पैकेज कितना मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप चाइना में किस टाइप के फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो पॉलिसी फरवरी में इन्होंने अनाउंस की है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इनका इम्प्लीमेंट हो गया हो, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सब स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर सकती, कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जिनकी प्रोग्रेस अच्छी है, जिनका रिकॉर्ड वगैरह अच्छा है, उन्होंने रूल्स वगैरह फॉलो किए हैं, उनकी कोई कंप्लेन नहीं है, तो वो उनको अलाउ कर सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो यूनिवर्सिटी जो काम अलाउ करेगी आपको, मैंने सारी उसमें कैटेगरीज बताई हुई हैं कि क्या क्या कैटेगरीज है, उसमें आप रिसर्च असिस्टेंट, टीचर असिस्टेंट, पब्लिक सर्विसेज, ऐसी जॉब्स कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले अगर आप लैब में हो तो आप लैब में एज अ रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर या अपने सुपरवाइजर के अंडर काम कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम। वो आपको पे करते हैं, वो आपको आवरली पे करते हैं, कुछ आपको मंथली पे करते हैं, कुछ आपको वीकली पे करते हैं, तो ये डिपेंड करता है। आवरली वेजेस के हवाले से हम बात करें तो 15 युआन से 25 युआन तक वो देते हैं, 15 युआन 15 RMB से लेके 25 RMB तक आपको आवरली देते हैं। तो आप 6 घंटे करते हो, 8 घंटे करते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है और प्रोफेसर पे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आपको काम देता है। लेकिन ये काम सब यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बाकी प्रोफेसर आपको बोलते हैं कि भैया आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे, तो ये डिपेंड करता है प्रोफेसर पे और यूनिवर्सिटी पे। इसके अलावा आप ISO ऑफिस, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है, वहाँ पे उनके टीचर्स की आप हेल्प करके वहाँ से भी आप इनकम जो है वो कमा सकते हो, उनसे भी पैसे आपको मिल सकते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि वो ISO में आपका जो सुपरवाइज़र है या आपका जो डिपार्टमेंट का जो हेड है क्या है, वो एक्सेप्ट करें आपको, एग्री हो, उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो उसमें ये होता है कि वो भी आपको तकरीबन 10 युआन से लेकर 25 युआन तक आपको पे कर सकते हैं। वो काम की नौयत के ऊपर है, यूनिवर्सिटी के ऊपर है, वो डिपेंड करता है। तो काफ़ी लड़के मैंने देखे हैं वो उस तरह की जॉब्स करते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है, सुना भी है, काफ़ी दोस्त मुझे बताते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे बंदे हैं जो उस तरह का काम करते हैं। तो आप भी अगर करना चाहें तो आप ये काम कर सकते हो। इससे ये कि एक तो ये लीगल है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी ने आपको अलाउ किया हुआ है, तो उसे कोई मसला नहीं है, आप पकड़े नहीं जा सकते, मतलब ऑफिशियल जॉब हम उसको बोल सकते हैं या लीगल जॉब हम उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी में किसी और डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, आपको ISO ने अगर परमिशन दी हुई है। और किसी जगह पे हमने ये भी देखा है कि ISO जो ISO के जो टीचर्स होते हैं वो आपको जॉब अरेंज करके देते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हो या यूनिवर्सिटी के बाहर हो, तो डिपेंड करता है। हमने ऐसा भी देखा है कि वो आपको टीचिंग जॉब भी अरेंज करके देते हैं, मतलब कि टीचिंग जो इंग्लिश पढ़ाते हैं इधर बच्चों को या क्या जो जॉब्स आती हैं पार्ट टाइम, वो भी आपको अरेंज करके देते हैं, मतलब आप बच्चों को जाके किंडरगार्टन में पढ़ाएं या प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं, तो वो जॉब्स भी आपको अरेंज करके देते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके ताल्लुकात किस तरह के हैं ISO के साथ। तो ये जो काम मैंने आपको बताया है जिसमें ISO आपको परमिशन दे, ISO राज़ी हो, ISO ने आपको एक्सेप्ट किया हो काम करने के लिए, तो वो लीगल हैं। बाकी काम जो आप अपनी मर्ज़ी पे करोगे वो इलीगल तस्वर किए जाते हैं। उसमें जो है वो मॉडलिंग जॉब आ गई, टीचिंग जॉब आ गई, और उसके साथ साथ दूसरी किसी भी तरह की जो जॉब है, सेल्स की जॉब हो गई या कोई और जॉब है, तो वो इलीगल तस्वर की जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं एज अ इंग्लिश टीचर, तो उसमें तकरीबन कोई 200 युआन से 300 युआन तक नॉर्मल जो मिल जाते हैं, मिनिमम 100 युआन और मैक्सिमम जो है वो 400 युआन भी हमने देखे हैं, लेकिन वो नेटिव स्पीकर्स को देते हैं, जो नॉन नेटिव होते हैं उनको वो मैक्सिमम जो है वो 300 युआन तक देते हैं, 250 से 300 युआन मैक्सिमम देते हैं वो। इंग्लिश टीचिंग जॉब आप किस तरह ढूंढ सकते हो, मैंने उस वीडियो में एप्लीकेशन वगैरह बताई हुई हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सारे प्रोसीजर वगैरह बताया हुआ है आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम मॉडलिंग जॉब की बात करें, मॉडलिंग या फिल्म शूटिंग की जॉब करें, तो ये बहुत ही रेयर जॉब्स आती हैं, आती तो हैं लेकिन ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आप एक वीचैट ग्रुप में ऐड हो तो वीचैट ग्रुप में 500 बंदे ऐड होते हैं, अगर एक जॉब आती है उनको 20 बंदे चाहिए तो वो 20 बंदे उनको उसी टाइम पे मिल जाते हैं,
तो आपकी टर्न नहीं आती, आपकी बारी नहीं आती। तो ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे, आपका नसीब अच्छा है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी हाइट, आपका कद कितना है, आप स्मार्ट दिखते हो कि नहीं दिखते, मतलब आपकी शक्ल व सूरत अच्छी होनी चाहिए, आपका कद अच्छा होना चाहिए, तो ये भी मैटर करता है। अगर आप कद में अच्छे हैं, आप स्मार्ट दिखते हैं, तो आपको काम मिल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर वगैरह से किसी के साथ सेटिंग कर देते हैं, या किसी एजेंट के साथ, आप चाइनीज़ के साथ सेटिंग कर देते हैं, तो वो आपको जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है फिल्म शूटिंग का या मॉडलिंग का, तो वो आपको ऑफ़र करते हैं, आप उनके पास जाके काम कर सकते हो। तो उसमें हमने जो पे देखी है वो मिनिमम 500 युआन, मतलब कि 3 या 4 घंटे का काम होता है डे में, पूरा दिन काम नहीं होता, 3-4 घंटे का काम होता है। मिनिमम आपको 500 युआन देते हैं, लेकिन 500 युआन बहुत ही कम है इस काम के लिए। मिनिमम आपको 500 युआन देते हैं, मैक्सिमम ये 3-4 हज़ार तक भी होता है। तो ये डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी काम की नौयत भी देखी जाती है और बाकी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छी कमाई है अगर आप मॉडलिंग के शौकीन हैं, अगर आप फिल्म शूटिंग करना चाहते हो, यहाँ पे फिल्म्स में काम करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट आप पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हो। पार्ट टाइम बिजनेस चाइना में किस तरह होता है, आप कहाँ से चीज़ें खरीदोगे, किस तरह भेजोगे, क्या सारा जो कुछ है, तो मैंने एक वीडियो में दिखाया हुआ है। मैंने एक बांग्लादेशी स्टूडेंट का इंटरव्यू किया था जो यहाँ पे पार्ट टाइम बिजनेस करती थी। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप ऊपर आपके लिंक शो हो रहा है, इसको भी क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके अलावा काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम चाइना जाके डिलीवरी की जॉब करेंगे, या किसी कॉफ़ी शॉप पे, या किसी बर्गर शॉप पे, या किसी, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज का बड़ा मसला आता है। अगर आप डिलीवरी की जॉब करते हो, जिसको हम यहाँ में चाइना में वाईमाई बोलते हैं, तो उसमें आपको मैप यूज़ करना पड़ता है, मैप चाइनीज़ में होता है, ऑर्डर आते हैं उसके, तो ये चाइनीज़ में होता है, बड़ा मसला होता है। मैंने किसी को आज तक नहीं देखा किसी फॉरनर को ये जॉब करता हो। हाँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा था जहाँ पे मैं बैचलर्स कर रहा था, तो वहाँ पे एक फॉरनर की शॉप थी बर्गर की, तो वहाँ पे तकरीबन ऑर्डर्स इंग्लिश में आते होंगे या चाइनीज़ में भी चलो आते होंगे, तो उनको पता होता है भाई ये फ़लाँ जगह पे है, उसको कुछ लोकेशन बताई हुई थी, तो वो इजीली जा सकते, उधर वो कर सकते थे। तो आप भी अगर किसी फॉरनर की शॉप पे कर रहे हो, किसी फॉरनर का शॉप है, उधर आप डिलीवरी की जॉब कर रहे हो, उधर शॉप पे आप काम कर रहे हो बर्गर की, या तो आप कर सकते हो, लेकिन चाइनीज़ शॉप पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आपको चाइनीज़ आनी चाहिए। अच्छा, ये पार्ट टाइम ऐसी जॉब्स हैं जो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता आपको, और ना ही मैं आपको करूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना में इस तरह के काम होते हैं, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद रियलिटी बताना है आपको चाइना के हवाले से। हम उस टाइम पे नए नए आए थे, हमें कुछ पता नहीं होता था, हमें किस चीज़ का भी पता नहीं होता था, तो मेरा जो मकसद है वो आप लोगों को चाइना के हवाले से रियलिटी बताना है कि चाइना में इस तरह के काम होते हैं और ये सब कुछ होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो करें, अगर आप स्कॉलरशिप पे हैं तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप काम करो, क्योंकि स्कॉलरशिप पे आपको माशाल्लाह से इतने पैसे मिल जाते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ आराम से करो, सुकून से करो, पढ़ाई करो, आपको खर्चा मिल रहा है, तो अपना फुल जो टाइम है वो स्टडी पे लगाओ, और स्टडी के बाद इंशाल्लाह आपको कोई अच्छी मेजर की जॉब मिल सकती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी अगर आप करते हो तो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, बैचलर्स वाले अगर पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप लीगली जॉब करो, मतलब IAS ऑफिस से रابطہ करो, या अपने किसी टीचर से रابطہ करो, तो उनकी परमिशन के बाद ही आप जॉब करो, इलीगल जॉब नहीं करो। मैं इलीगल के बहुत खिलाफ़ हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इलीगल जॉब नहीं करनी। तो अगर आप करते हैं तो वो आपके ऊपर है, मैं आपको मना नहीं कर सकता, आपकी अपनी लाइफ है, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये सारी जॉब्स फुल टाइम भी कर सकते हो, तो फुल टाइम में भी आप इंग्लिश टीचिंग की फुल टाइम जॉब करोगे, उसमें आप तो आपको तकरीबन 20 से 25 हज़ार RMB मिलते हैं, मतलब 15 हज़ार मिनिमम नॉर्मल, 20 से 25 हज़ार मैक्सिमम 30,000-30,000। तो ये डिपेंड करता है काम की नौयत पे, कितने घंटे आपको पढ़ाना है, स्कूल कितना भरा है, कौन सा सिटी है, तो ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, आपका इंग्लिश एक्सेंट कैसा है। तो अगर आप इन चीज़ों के हवाले से सोच रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हो इंग्लिश टीचिंग की या मॉडलिंग की, तो आप खुद को पहले से ही प्रिपेयर करके आओ, फुल तैयारी करके आओ, टीचिंग में आपको क्या क्या पढ़ाना है, कौन सी स्किल्स चाहिए आपको, तो सारी आपको पहले से प्रिपेयर करनी है। अगर आप मॉडलिंग की जॉब करना चाहते हो तो आप खुद को बनाओ, अपनी बॉडी बनाओ, अपने चेहरे पर काम करो, ज़्यादा खुद को खूबसूरत दिखाओ, तो ये जॉब आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, फुल टाइम आप सेल्स की जॉब कर सकते हो, सेल्स या मार्केटिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी मिनिमम ये 8 से 10 हज़ार देते हैं, सिटी टू सिटी वेरी करता है, 6 हज़ार भी मिलते हैं, 8 हज़ार भी मिलते हैं, और उसके बाद आपको कमीशन देते हैं प्लस, मतलब 6 से 10 हज़ार आपकी बेसिक सैलरी होती है और ऊपर आपका कमीशन होता है, तो जितनी आप चीज़ें सेल करोगे उतना आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो ये चीज़ें, और यहाँ पे काफ़ी कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको जॉब के साथ साथ अपार्टमेंट फ्लैट भी देती हैं, तकरीबन कंपनीज यहाँ पे 70-80% ऐसी हैं जो आपको अपार्टमेंट वगैरह देती हैं काम के दौरान, आपको खुद अरेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन 30-40% ऐसी भी कंपनियाँ हैं जो अपार्टमेंट वगैरह नहीं देती, तो आपको वो खुद अरेंज करना पड़ता है। अच्छा, तो अब आते हैं कि लड़कियाँ यहाँ पर कौन सी जॉब्स कर सकती हैं। लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल जॉब्स आती हैं,
जिसमें वो टीचिंग के हवाले से, टीचिंग तो आप कर सकते हो, मतलब लड़कों से ज़्यादा वो लड़कियों को प्रीफर करते हैं। काफ़ी स्कूल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को प्रीफर करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी जो है वो न्यूज़ है कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है लड़कों की नस्बत। और इसके अलावा आप पार्ट होम ट्यूशन भी कर सकती हैं, मतलब होम ट्यूटर जो होता है ना, वो अभी आप कर सकते हो, क्योंकि आप लड़की हो तो वो काफ़ी खुद को सेफ़ फील करते हैं चाइनीज़ कि आप एज अ लड़की जो है वो उनके बच्चों को पढ़ाओगे, बेटों को या बेटियों को पढ़ाओगे उनके घर पे जाके, या फॉर एग्जांपल वो बच्चे आपके घर पे लेके आते हैं तो उनको एक सेफ्टी फील होती है कि यार ये लड़की है, चलो ठीक है। लड़के से वो थोड़ा बहुत डरते हैं, काफ़ी लड़के मैंने ऐसे भी देखे हैं जो होम ट्यूटर की जॉब करते हैं तो वो डिपेंड करता है, लेकिन चाइनीज़ लोग हर बंदे को होम ट्यूटर की जॉब नहीं दे सकते, बहुत ही कम लोगों को मिलती है और ट्रस्ट वाले बंदों को मिलती है। मतलब आपका कोई दोस्त है पुराना, अगर उसका कोई बेटा है बेटी है उसने आपको रिकमेंड किया है तो वो एक अलग बात है। तो बहुत ही कम लोग जो है वो होम ट्यूटर की जॉब करते हैं और बहुत ही मिलना मुश्किल है। हाँ, लड़कियों को ये मिल जाती है इजीली, मैंने देखी है काफ़ी लड़कियों को वो इजीली मिल जाती है। मुझे भी एक चाइनीज़ दोस्त ने पिछले दिनों बोला था कि अगर आपकी कोई लड़की दोस्त है यहाँ पे है कोई तो वो होम ट्यूटर है एक जॉब, तो वो अगर करना चाहे तो मैं आपको वो दिला सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग में शौक़ नहीं है, आप में वो स्किल्स नहीं है टीचिंग की, तो आप नैनी की जॉब भी कर सकते हो। नैनी की जॉब तो वैसे फुल टाइम आती है, लेकिन आप ऐसा पार्ट टाइम भी उसको कर सकते हो। वो भी मुझे एक चाइनीज़ दोस्त ने बोला था कि अगर आपकी कोई ऐसी लड़की है जो नैनी की जॉब करना चाहे तो आप मुझे बताएं, मैं उसको दिला सकता हूँ। तो ऐसी जॉब्स आती रहती हैं खासकर लड़कियों के लिए। नैनी की जॉब में ये होता है कि आपको उनके घर जाना पड़ता है, 2-3 घंटे उसके बच्चे के साथ आपको स्पेंड करने पड़ते हैं। इसके बाद अगर कहीं मार्केट वगैरह में गए या किसी पार्क वगैरह में गए तो बच्चे को हैंडल करना पड़ता है, उसके साथ टाइम गुजारना पड़ता है, मतलब कुछ वर्ड्स उसको इंग्लिश में सिखाने पड़ते हैं या क्या, मतलब उसकी बातचीत नॉर्मल जो रूटीन होती है ना उस बच्चे को संभालने की, तो वो उसमें आ जाता है। तो उसकी भी काफ़ी अच्छी पे मिलती है, अगर फुल टाइम करते हो तो उसमें 15,000 तक मिलता है, पार्ट टाइम में वो 4-5,000 तक देते हैं। लेकिन गर्ल्स के जॉब के हवाले से मैं यहाँ पर एक बात मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि आप अगर नैनी वगैरह की जॉब करती हो तो आपको अपनी सिक्योरिटी का मेक श्योर करना है। आपको किसी ऐसी जगह पे काम करना है जिधर दूसरी खवातीन भी हो, दूसरी लेडीज़ भी हो। आपको ऐसी जगह पे काम नहीं करना जिधर खाली मेल हो। मसला अगर नैनी की जॉब कर रहे हो आप, तो ऐसे घर में आप जा रहे हो जिधर खाली बंदा अकेला मेल रहता हो, मर्द रहता हो, तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि काम न करें, क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी के इशूज़ आते हैं, ऐसे मसाइल यहाँ पर आएँ, केसेज ऐसे यहाँ पर आएँ, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर सकता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हो। इसके अलावा गर्ल्स के लिए मॉडलिंग की जॉब्स भी आती हैं, मॉडलिंग, फिल्म शूटिंग, इस तरह की भी जॉब्स आती हैं, आप वो भी कर सकते हो। काफ़ी डिमांड है उसकी, उनको एशियन गर्ल्स चाहिए होती हैं और काफ़ी अच्छी पे करते हैं, मिनिमम 1,000 यूआन पे करते हैं, मैक्सिमम 5,000 यूआन भी पे करते हैं डे के, पर डे के। तो आप अगर ये फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो मंथली आपको तकरीबन नहीं ना 40-50,000 यूआन आपको मिल सकते हैं। पिछले दिनों मैं एक जॉब देख रहा था, एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, उसमें इनको लड़कियां चाहिए थी एशियन, तो वो फुल टाइम जॉब थी 2 महीने की जॉब थी, तकरीबन वो 80,000 यूआन पे कर रहे थे 2 महीने के, मतलब 40,000 यूआन 1 महीने के। तो इन चीज़ों में, इन कामों में आपको अपनी सिक्योरिटी देखनी है, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर आपको शूटिंग वगैरह के लिए लेके जाते हैं या क्या, तो उसमें सिक्योरिटी रीजन्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना है। तो दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक चीज़ पे अलग से वीडियो बनाऊं, किस तरह आप वो मखसूस जॉब ढूंढ सकते हो, तो वो भी मैं बना सकता हूँ इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।